नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल सिंह और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। दोस्तों, आज मैं, आप, हम सब अपने अपने घरों में इस कोरोना, माफ कीजिएगा, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में कैद, हम अपने दोस्तों, सभी संबंधियों से मिल नहीं पा रहे। पर दोस्तों, हमें किसी भी आवश्यकता से बाहर न जाना पड़े तथा हम इस महामारी से संक्रमित ना हो, इसके लिए कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जो दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जिसे सरकार ने कोरोना वॉरियर के नाम से संबोधित किया। दोस्तों, हमारे वॉलंटियर्स जो हम तक, हमारे घरों तक ज़रूरत का खाने पीने का सारा सामान सही समय पर पहुंचा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे साथी जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं या संक्रमित हो चुके हैं, उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके कारण वह अपने प्रियजनों से, अपने बच्चों से कई कई दिनों तक दूर है। पुलिसकर्मी जो आज सीमा प्रहरी की तरह सड़कों पर डटी हुई है, और हमारे ऐसे ही एक सैनिक ACP अनिल कोहली सर इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। सैल्यूट है ऐसे रक्षकों को जो हमारी इस कोरोना वायरस से हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया कर्मी जो हमारे तक सही सही जानकारियां पहुंचा रहे हैं, ताकि हम उन जगहों पर न जाएं जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। अवश्य ही दोस्तों, इनका त्याग, बलिदान, देश प्रेम और सेवा इतनी अपार है कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पर हम इनका आत्मविश्वास तो बढ़ा सकते हैं, इनका मनोबल तो बढ़ा सकते हैं, इनकी बात मानकर सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कर, और यदि हमारे इलाके में कोई कोरोना वॉरियर किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को लेने आए, तो हम उनका विरोध ना करें, उनको हीन भावना से ना देखें, अथवा एक सैल्यूट या एक मुस्कुराहट के साथ अपने उस साथी को उन्हें सौंप दें। इससे दोस्तों, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनको यह विश्वास होगा कि कोरोना वायरस की इस महामारी वाली लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, अपितु पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। सैल्यूट है ऐसे कोरोना वॉरियर्स को दोस्तों। थैंक यू सो मच कोरोना वॉरियर्स, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, एक थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप भी एक कोरोना वॉरियर हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि ये कोरोना वायरस एक इंसान से सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, तो आपने घर पर रहकर सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं, तो हुए ना आप भी कोरोना वॉरियर। दोस्तों, आपके संयम और संकल्प का ही नतीजा है कि स्विट्जरलैंड के मैनहट्टन पर्वत पर हमारे देश का परचम लहराया। दोस्तों, इसी तरह हमें अपनी सरकार का साथ देना है, अब कोरोना वॉरियर बनकर इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतना है, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां।